आज से ब्रिटिश कानून का अंत, 45 दिन के भीतर अब आएगा आपराधिक मामलों में फैसला, 60 दिन के भीतर पहली सुनवाई के आरोप तय किए जाएंगे, 90 दिन के भीतर अपने मामले की प्रगति की ले सकते हैं जानकारी। जी हाँ, अब पूरे भारत के अंदर आज से ब्रिटिश कानून का अंत हो गया है और नया कानून देश के अंदर लागू हो गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि 1 जुलाई 2024 से अब नए कानून आ गए हैं। 3 नए आपराधिक कानून सोमवार से देश भर में लागू हो गए हैं, जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे और औपनिवेशिक काल के कानूनों का अंत हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश काल के क्रमशः भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे। नए कानूनों में एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी, जिसमें 0 FIR, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, SMS, मोबाइल फ़ोन पर संदेश के जरिए समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों की वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि इन कानूनों में कुछ मौजूदा सामाजिक वास्तविकताओं और अपराधों से निपटने का प्रयास किया गया और संविधान में निहित आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इनमें प्रभावी रूप से निपटने का एक तंत्र मुहैया कराया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नए कानून न्याय मुहैया कराने को प्राथमिकता देंगे, जबकि अंग्रेजों देश पर ब्रिटिश शासन के समय के कानूनों में दंडनीय कार्रवाई को प्राथमिकता दी गई थी। उन्होंने कहा है कि इन कानूनों को भारतीयों के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाया गया है तथा ये औपनिवेशिक काल में न्यायिक इन कानूनों को भारतीयों ने भारतीयों के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाया गया है तथा यह औपनिवेशिक काल के न्यायिक कानूनों का खात्मा करते हैं। नए कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर आएगा और पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि अब बड़े बड़े अपराध घटित होंगे तो तुरंत उनमें कार्रवाई की जाएगी। अब गैंगरेप पर सजाए मौत, दुष्कर्म पीड़िताओं का बयान कोई महिला पुलिस अधिकारी उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेगी और मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर देनी होगी। नए कानूनों में संगठित अपराधों और आतंकवाद के कृत्यों को परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह लाया गया है और सभी तलाशी तथा जब्ती की कार्रवाई की वीडियोग्राफी करना अनिवार्य कर दिया गया है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक नया अध्याय जोड़ा गया है। किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध बनाया गया है और किसी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्यु दंड या उम्र कैद का प्रावधान जोड़ा गया है। 90 दिन के भीतर अपने मामले की जानकारी अब ले सकेंगे। गिरफ्तारी की सूरत में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार दिया गया है। इसमें गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत सहयोग मिल सकेगा। इसके अलावा गिरफ्तारी विवरण पुलिस थानों और जिला मुख्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। किसी भी थाने में कर सकते हैं FIR। ये तीनों कानून न्याय, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर आधारित है। नए कानूनों के तहत अब कोई भी व्यक्ति पुलिस थाना गए बिना इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। इससे मामला जीरो FIR का मतलब जीरो FIR के तहत अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकता दर्ज करा सकता है, भले ही अपराध उस थाने के अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ हो। इससे कानूनी कार्रवाई शुरू करने में होने वाली देरी खत्म होगी। बच्चों से जुड़े अपराधों में क्या बदलेगा? महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर शिकंजा कसा गया है। किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध बनाया गया है और किसी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्यु दंड या उम्र कैद का प्रावधान किया गया है। नए कानूनों में नई बात क्या है? शादी का झूठा वादा करने, नाबालिग से दुष्कर्म, भीड़ द्वारा पीट कर हत्या करने, झपटमारी आदि मामलों में निपटने के लिए IPC में ठोस प्रावधान नहीं है। नए कानूनों में इन पर रोक के लिए ठोस प्रावधान किए गए हैं। क्या कोई दिक्कत है? कानून के जानकारों का कहना है कि चूंकि देश में बहुत सारे मुकदमे पुराने कानूनों के तहत चल रहे हैं, जबकि नए मुकदमे नए कानूनों के तहत दर्ज होंगे, जिससे पुलिस वकीलों और जजों को दोनों तरह से
कानूनों अब अदालतों में तेजी से होगी कार्रवाई और सुनवाई। अदालतें समय रहते न्याय देने के लिए मामले की सुनवाई में अनावश्यक विलंब से बचने के लिए अधिकतम 2 बार मुकदमे की सुनवाई स्थगित कर सकेगी। नए कानूनों में सभी राज्य सरकारों के लिए गवाह सुरक्षा योजना लागू करना अनिवार्य है ताकि गवाहों की सुरक्षा व सहयोग सुनिश्चित किया जाए। अब लैंगिकता का परिभाषा में ट्रांसजेंडर से भी शामिल है जिससे समावेशता और समानता को बढ़ावा मिलेगा। पीड़ित की अधिक सुरक्षा देने तथा दुष्कर्म के किसी अपराध के संबंध में जांच के पारदर्शिता की बढ़ावा देने के लिए पीड़िता का बयान पुलिस द्वारा ऑडियो वीडियो माध्यम के जरिए दर्ज किया जाएगा। महिलाओं 15 वर्ष की आयु अपराध की सूचना प्राप्त होते ही घटना स्थल पर विचार किए बिना दर्ज करनी होगी 0 FIR। ई FIR की कार्रवाई में हुआ सुधार, प्रक्रिया हुई तेज, छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा भी हुई दंड के रूप में शामिल। बदल गई IPC की इन धाराओं की पहचान। पहले देशद्रोह पर धारा लगती थी, IPC की धारा 124, गैरकानूनी सवा धारा 144 लगती थी, हत्या की धारा 302, हत्या का प्रयास धारा 307, दुष्कर्म की धारा 376, मानहानि की धारा 399 और ठगी की धारा 420। अब ये धाराएं बदल चुकी हैं, अब देशद्रोह की धारा लगेगी 152, गैरकानूनी की सवा की लगेगी धारा 189, हत्या की धारा लगेगी 101, हत्या का प्रयास की धारा लगेगी 109, दुष्कर्म की धारा लगेगी 63, मानहानि की धारा लगेगी 356 और ठगी की धारा लगेगी 316। जी हां, आपको बता दें कि अब बदल गई है IPC की इन धाराओं की पहचान। अब हत्या की धारा 101 लगेगी, वहीं दुष्कर्म की धारा 63 लगेगी और देशद्रोह की धारा 152 लगेगी, गैरकानूनी सवा की हत्या धारा 189 लगेगी। जी हां, आपको बता दें कि मानहानि की धारा अब बदल चुकी है, अब धारा 356 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, वहीं मानहानि की धारा भी अब बदल गई है, धारा 356 के तहत धारा लगाई गई है। एक जुलाई 2024 यानी आज से नए कानून में दर्ज होंगे अपराध, जल्द निपटेंगे प्रकरण, तारीख पर तारीख से मिलेगी मुक्ति, भगोड़े अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त। जी हां, आपको बता दें कि 1 जुलाई की तारीख शुरू होने के बाद घटित हुए सभी अपराध नए कानून में दर्ज किए जाएंगे। 1 जुलाई से देश में IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। 1 जुलाई से लागू हो रहे आपराधिक प्रक्रिया तय करने वाले 3 नए कानूनों में तुरंत न्याय सुनिश्चित करने के लिए FIR से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है। पहले भारतीय दंड संहिता IPC, अब भारतीय न्याय संहिता BNS लागू की गई है। पहले दंड प्रक्रिया संहिता CRPC थी, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू की गई है। मैकाल युग की समाप्ति हो चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि अब नए धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। अब आपको देशद्रोह की धारा 152, गैरकानूनी की सवा धारा 189, हत्या की धारा 101, हत्या का प्रयास की धारा 109, दुष्कर्म की धारा 63 और मानहानि की धारा 356 के तहत अब नई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे।